हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस करेंगे, ठीक। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारा बेसिक्स अच्छे से समझाया गया है, ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बोला, इफ डी पैरेलल टू बीसी, ये डी पैरेलल किसके, बीसी के, ठीक। तो मुझे प्रूफ, मुझे फाइंड करना है ईसी, ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको यहां दे रखा है क्वेश्चन में क्या, कि डी पैरेलल किसके, डी पैरेलल किसके, बीसी के। और जब भी किसी ट्राइंगल में दो लाइन ऐसे पैरेलल हो जाएं, तो मैं क्या लगा सकता हूं वहां पे, बीपीटी। तो आप बोलोगे बाय बीपीटी, बीपीटी क्या बोलेगी मुझे, यह बोलेगी कि एडी अपॉन डी, क्या बोलेगी, एडी अपॉन डी, सॉरी डीबी, एडी के नीचे कौन आएगा, डीबी, और ए अपॉन में एसी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी बराबर होंगे। क्यों, जब भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक साइड होगी, तो इन दोनों का साइड का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। ये बोलती है कौन सी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ठीक। अब एडी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1.5, डीबी की वैल्यू कितनी है, 3, ए कितना है, 1, और ईसी कितना है पता नहीं, ईसी निकालना है मुझे। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटाना चाहूं तो नीचे 0 आएगी, फिर बचेगा 15 से काट दो इसे, 15 हो जाए 30, तो 1/2 बराबर 1/EC, 1/2 बराबर 1/EC। अब यहाँ क्रॉस कर दो, क्या कर दो, क्रॉस ईसी की 1 × EC और 2 × 2, हमारा आंसर आ गया ईसी, आगे 2 cm। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट डन। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर से वही है, डी पैरेलल टू, ये डी पैरेलल किसके, बीसी के। तो मुझे एडी फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, एडी, ढूंढो का एडी, एडी जरा क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आप फिर से यही बोलोगे कि डी यहाँ पे पैरेलल किसके, बीसी के, तो बाय बीपीटी, बीपीटी से मैं बोल सकता हूँ इनका रेशो क्या होगा, बराबर लिख दो रेशो, बराबर एडी अपॉन में क्या, डीबी बराबर ए अपॉन में ईसी। देखो इधर, जब ये लाइन, इसको ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक, तो इनका रेशो एडी अपॉन में डीबी बराबर ए अपॉन में ईसी के। जो जो वैल्यू पता है वो सारी रख दो, एडी मुझे नहीं पता तो एडी छोड़ो, डीबी मुझे पता है, देखो ये रहा 7.2 इज इक्वल टू 7.2। नेक्स्ट ए कितना मेरे पास, 1.8, और ईसी कितना मेरे पास, 5.4, ठीक। इस पॉइंट को यहां से हटा दो, ठीक, अगर इतना ही रहने दो, चलो एडी अपॉन 7.2 बराबर 18/54 आया है, अगर मैंने पॉइंट हटा दिया तो, ठीक। अब 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54, तो ये आ गया 1/3, 1/3। अब एडी हो जाएगी 3 × 2 और 7.2 की 1 में, तो 3 × AD बराबर 7.2 × 1। अभी मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, 7.2 को आप डिवाइड कर दो किससे, 3 से, कट करो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 और 1 × 3 = 12, तो 2.4 cm। क्लियर, तो मेरा एडी कितना आ गया, 2.4 cm। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ बीपीटी लगानी है, क्योंकि अगर पैरेलल तो साइड का रेशो बराबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ तभी समझ में आएगा, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में बोला है ई और एफ पॉइंट्स है कहां पे, पी क्यू और पी आर पे। पी क्यू पे कौन सा पॉइंट है, उसने बोला ई, और पी आर पे कौन सा पॉइंट है, उसने कहा एफ, इन दोनों को मिला दो, ठीक है, ठीक। रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर केस में, यहाँ पे 3-4 केस है, ये फर्स्ट केस है इसका, क्या है फर्स्ट केस, स्टेट वेदर, मुझे बताओ, स्टेट करो क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मुझे ये सब वैल्यू दे रखी है, पी कितना है रख दो यहाँ पे, 3.9 cm, ई क्यू कितना है 3 cm, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। मुझे इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया पी क्यू आर, उसने बोला ई और एफ पॉइंट पी क्यू पर है और ये पी आर पर है, फिर कहा गया ये सारी वैल्यू पता है, तो बताओ क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, स्टेट बताओ, स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो क्या बोलती है, अगर साइड का रेशो बराबर आ जाए तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक। तो सबसे पहले मुझे साइड का रेशो चेक करना पड़ेगा, तो निकालते हैं रेशो, मैं निकालता हूँ पी के अपॉन ई क्यू का रेशो,
पी अपॉन ई क्यू, पी कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगी 0, अभी 3 से कट कर दो, 3 बन जाए 3, 3 से 9, 13 अपॉन 10 आ गया, कितना आ गया 13 अपॉन 10। दूसरा निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हट गया। तो अब देखो ये दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं, 12 3 36, 12 2 24, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये सॉल्व होने के बाद आएगा 1.3 क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे, ये सॉल्व होने के बाद आएगा डेढ़ क्योंकि 3 का आधा 1.5, ये सेम थोड़ी ना है। तो आप बोलोगे यहां पे इसके बाद कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू किसके, PF अपॉन FR के, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज PEF जो लाइन थी वो EF इज नॉट, ये नहीं है किसके, पैरेलल, पैरेलल टू किसके, QR के। अगर ये दोनों रेशो सेम आ जाते तो मैं बोलता हूं ये EF लाइन किसके पैरेलल है, QR के, क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये, सारे पार्टों में यही करना है हमें। सेकंड पार्ट देखो, फिर से वही सब कुछ है, वही चेक करना है EF पैरेलल टू QR, और हमें वैल्यू दे रखी है। फिर से ट्रायंगल के नेम रखो, यहां पे पी क्यू आर ट्रायंगल है, और यहां पर पी क्यू पर कौन सा पॉइंट था, ई, यहां पे ई पॉइंट और यहां पे एफ पॉइंट, बोलो ठीक। अब जो जो वैल्यू बताया रख दो, पी कितना देखो, ये रहा पी कितना 4, यहां पे 4, क्यू ई कितना है 4.5, पी एफ कितना है 8, आर एफ कितना है 9, ये सब दे रखा है, ठीक। हमें करेंगे इसमें, सुन लो, हम फिर से क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, निकालो पी अपॉन में किसका रेशो, ई क्यू का, इन दोनों साइडों का रेशो, पी कितना 4 और यू कितना 4.5, पॉइंट से क्या होगा ऊपर हट जाएगी, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आएगी। दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं ना, काट दो 5 से, काट दो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 8 अपॉन 9। अब ऐसे इधर निकालो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ 8 है और एफ आर कितना है 9, ये दोनों और किसके टेबल में आएंगे नहीं, जैसे ये नहीं आ रहे थे, तो देखो ये दोनों सेम नहीं आ गए। तो आप बोलोगे यहां पे पी अपॉन ई क्यू किसके बराबर, पी एफ अपॉन एफ आर के, और अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं क्या बोल सकता हूं, बाय बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि यस ये दोनों पैरेलल है यहां पर, क्योंकि रेशो क्या आ गया, बराबर आ गया। सेकंड पार्ट डन, देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, यहां पे ई और एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, और पी क्यू पे कौन सा पॉइंट है, ई, और यहां पे कौन सा पॉइंट है, एफ, जो जो गिवन है लिख दो। फिर दोबारा वही चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, नहीं या नहीं है, थर्ड पार्ट है इसका। पी क्यू कितना है, पी क्यू, अरे यहां पे तो अलग दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पी क्यू दे रखा है, ये पूरा पी क्यू यहां से यहां तक, ये कितना है मेरे पास 1.28, और पी आर कितना है इसमें, पी आर ए वाला, ये पूरा, ये कितना है मेरे पास 2.56, और पी कितना है 0.18, ठीक, और पी एफ कितना है 0.36, क्लियर। मुझे चेक करना है ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको ई क्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, ई क्यू, ई क्यू कैसे निकालोगे, देखो इधर ई क्यू कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे में से पी क्यू में से इस पी को घटा दो तो ये तो बचेगा ई क्यू, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पूरे पी क्यू में से क्या घटा दो, पीई, पी क्यू कितना है 1.28, देखो जरा, और ई क्यू, ई पी कितना है, ई पी है 0.18, माइनस करो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, और यहां 1 में 0 गया 1, 1.10 आ गया, 10 नहीं बोलते पॉइंट के बाद, 1.10 बोलते, ठीक। अच्छा ई क्यू आ गई है मेरे पास, दूसरा और निकाल लो, ई क्यू तो आ चुका है, मुझे चाहिए एफ आर की नीड भी होगी, मुझे एफ आर कैसे निकालोगे, एफ आर निकलेगा, एफ आर के लिए क्या करोगे, इस पूरे पी आर में से
क्या घटा दो, पीएफ घटा दो, इस पूरे पीआर में से क्या घटा दो, पीएफ घटा दो। पीआर कितना है मेरे पास, पीआर है 2.56 और पीएफ कितना है 0. माइनस कर दो, कितना बचा एफआर, एफआर बचा मेरे पास, माइनस करो 2.20 बचेगा यहां पे, 6 में 60, 5 में 32, हां दोनों आ चुके हैं। अब रेशो निकालो, क्या निकालो, रेशो, देखो रेशो निकालता हूं, किसका रेशो, पीई अपॉन में ईक्यू, पीई अपॉन में ईक्यू, पी कितना है मेरे पास, देखो इधर रखा 0.18, यहां भी लिखा हुआ है 0.18, और ईक्यू कितना है मेरे पास, ईक्यू मैंने निकाला था 1.10, बोलो ठीक। अगर आप देखो यहां भी दो के बाद पॉइंट, यहां भी दो के बाद पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो हो गया 18/110, दोनों काट दो, किस टेबल से कट रहे हैं, टू के टेबल से, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 5s are 10, तो ये आ गया 9/55, कौन आया, पी अपॉन में ईक्यू। बोले यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, अभी मैंने इधर का रेशो लिया है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब लूंगा इधर का रेशो, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ कितना है मेरे पास 0.36 और एफ आर कितना है मेरे पास, मैंने निकाला देखो यार, एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर ये रहा 2.20, 2.20 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब देखो ये बचा 36 अपॉन में कितना 2.20, दोनों को इसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों 4 के टेबल से कट जाएंगे, 4 से काट दो, 4 9s are 36, 4 से काटो 4 5s are 20, फिर 2 बचा 4 5s are 20, 9/55, बोलो ठीक। ये भी 9/55 और ये भी 9/55, दोनों सेम नहीं आ गए, यानी कि आप बोलोगे यहां पे, इसके बाद आपको ये करना है, आप यहां पे बोलोगे कि PE अपॉन में EQ का रेशो आया 9/55 और P अपॉन FR भी यही आया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर ना हो गए, बोलो ठीक। और अगर दोनों बराबर हैं तो दिस इंप्लाइज ये EF क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा किसके, QR के, hence proved, कौन सी थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बोलती है कि अगर साइड का रेशो बराबर आ जाए तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, जिनसे ये साइड्स बाइसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्लियर। तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड देखते हैं, इसके और भी कोई पार्ट है, नहीं सिर्फ इतने ही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और सेकंड के दोनों के पार्ट डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब भी आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।